नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं तेनु आप सबका स्वागत करती हूँ तेनु 45 ब्लॉग चैनल पे। आजकल हर कोई फोरहेड की रिंकल्स के लिए परेशान है, तो आज मैं फोरहेड के रिंकल्स को रिमूव करने के लिए कुछ मसाज टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। फोरहेड पे जब ऐसे लाइंस बनने लगती है, ऐसे रिंकल्स दिखाई देने लगती है, तो चेहरा ब्यूटीफुल नहीं लगता है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तरह तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, बोटॉक्स की ट्रीटमेंट लेते हैं, सर्जरी करने लगते हैं। तो आज मैं कुछ बहुत ही सिंपल फेस मसाज शेयर करूंगी। अगर आप इनको डेली दिन में एक बार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी जो फोरहेड की रिंकल्स है, जो माथे की झुर्रियाँ है, वो रिमूव हो जाएंगे और आपको एक ब्यूटीफुल यंग वाला फेस मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हर स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी ऑयल हो या क्रीम हो अप्लाई करेंगे। तो आज मैं अपने घर का बना हुआ क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, इसे थोड़ा हाथों में लेके फिर इसे टू फिंगर्स का यूज करके थोड़ा प्रेस करते हुए इसे फोरहेड पे मसाज करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा सा क्रीम, ऑयल, मॉइस्चराइजर, जो भी आप यूज करे हो, लेके अपने फिंगर्स पे इसे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे अपने थंब्स का सपोर्ट देंगे और फिर इसे फिंगर से स्ट्रेच करते हुए मसाज करके ऊपर लेके जाएंगे इसे। अभी और थोड़ा सा क्रीम लूँगी। आप भी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो लीजिए ज़रूर, क्योंकि हम जब मसाज करें तो हमारी जो फिंगर से अच्छी तरह से स्लिप करें। अभी ऐसे मसाज करेंगे इसे। पे जो लाइन पड़ जाती है इसे इस मसाज से, वो भी रिमूव हो जाएंगे। आप एक हाथ के फिंगर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और दूसरे हाथ के फिंगर से नीचे की तरफ इसे।
पे रखेंगे, फिर ऐसे मसाज करेंगे। अभी ऐसे नकल मसाज करने से कुछ फोरहेड के रिंकल्स को रिमूव करने के लिए मसाजेस। अगर आप इनको डेली अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी जो फोरहेड के रिंकल्स है वो रिमूव हो जाएंगे और आपको एक ब्यूटीफुल यंग वाला फेस मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक के बटन में क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं रखती हूँ, फिर मुलाकात होगी और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।